आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो रोज़ के खाने में मीठा ऐड तो कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ कभी कभी तो ये चीटिंग चलती है। और आज है मेरा वो चीट डे, तो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही फटाफट वाला मीठा, मतलब कि डेजर्ट बना रही हूँ। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ और कैसे बनाऊँगी, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है वीडियो। क्योंकि अगर आपके घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाए ना, तो उसके लिए ये सबसे आसान और सबसे फटाफट वाली रेसिपी है। तो मैंने आधा किलो फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, उसको मैंने गर्म करने के लिए रखा है, और जब हल्का गुनगुना हो गया है ना, तो 2 से 3 चम्मच मैंने निकाला है अलग बाउल में, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का है, आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया है, चम्मच थोड़ा छोटा था तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा और ज़्यादा ले लिया है, तो एक आधा किलो के पैकेट में 1 चम्मच काफ़ी होगा। अब ये मैंने ले लिया है विस्क इसको मिक्स करने के लिए। तो दूध बढ़िया से गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाली हूँ। चीनी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मुझे नहीं करना है, प्लस मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करूंगी जिससे ये मीठा हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था उसको डाल दूंगी और लगातार चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो दूध में ना बॉयल आ चुका है बहुत बढ़िया, आपको लग रहा होगा कि इससे डार्क नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये डार्क हो जाएगा। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये अमूल की फ्रेश क्रीम जो आती है मार्केट वाली, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। तो मलाई डालने के बाद से एक बार इसको हम थोड़ा स्टर कर देंगे, क्योंकि मलाई बिल्कुल चिल्ड थी तो दूध हमारा बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमूल की ये मिठाई मेड की कंडेंस मिल्क, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो, और ना हो तो मैं आप लोगों को ये कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, तो घर में ही आप इसको बना सकते हैं, फिलहाल तो मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम छोड़ देंगे, धीमा कर दिया है फ्लेम मैंने फ़िलहाल, क्योंकि बहुत तेज़ आँच पे ना कई बार ये सारी चीज़ें ऐड करने पर दूध फटने का डर रहता है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ केसर, तो 10-12 धागे मैंने केसर के डाले हैं। अगर आपको केसर का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप उसमें केवड़ा जल या फिर छोटी इलायची जो आती है उसका पाउडर डाल सकते हैं। और फिर ये छोटे वाले जो छेने के रसगुल्ले आते हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर ये आपके पास ना हो, बड़ा वाला हो, तो बड़े वाले को आप 4 या 5 पीस में छोटा छोटा कर करके ऐड कर सकते हैं। तो ये 15-20 पीस मैं लेके आई थी, 250 ग्राम के आसपास है। तो एक पैकेट जो मिल्क आता है 1/2 kg का, उसमें ये 250 ग्राम की क्वांटिटी जो रहती है वो परफेक्ट रहती है, एकदम अच्छे से इसमें ग्रेवी और जो रसगुल्ली होती है वो बहुत अच्छे से मिक्स होती है, मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहती है इसमें। और एक बार इसको बॉईल कर लेना है, उसके बाद हमें इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद का। तो मैं काजू, बादाम और अखरोट थोड़ा सा ग्रेट करके डाली हूँ, और इसको मिक्स कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमें इसे ढक करके अच्छे से ढकना है, ज़रा सा भी खुला नहीं रहना चाहिए, फ्रिज के अंदर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है, मतलब ये बिल्कुल ही आइसक्रीम की तरह आ गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो करके, और ये जो छेना है इसमें बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है। तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने कोई ऐसा नाम नहीं दिया है, पर फिलहाल मैं इसको छेना कस्टर्ड बोलती हूँ डेजर्ट के हिसाब से। और इसको हमने बहुत ठंडा करके ले लिया है, आप चाहें तो इसमें कोई आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, फटाफट बन जाती है। अगर आपके पास ठंडा करने का टाइम नहीं है तो आप इसमें आइसक्रीम ऐड करके तुरंत सर्व कर सकते हैं, और अगर ठंडा करने का टाइम है तो फ्रिज में रख के ठंडा करिए और इन्जॉय करिए, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार लगती है, एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं चली खाने और बाकी लोगों को भी देने, क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना, थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।